पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पुलवामा में शहीद हुए आतंकी हमले के बाद देश के लिए शहीद हुए सैनिकों का दुख देश के लोगों में साफ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में मुरादाबाद की जनता का दिल भी शहीदों को याद कर रो रहा है। सभी ने नम आंखों से शहर के गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी, तो वहीं पाकिस्तान के कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने की मांग भी सरकार से की गई। आइए जानते हैं मुरादाबाद शहर के गणमान्य लोगों का दर्द किस तरह बयां हुआ। सबसे पहले जो हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें जिससे दोबारा पाकिस्तान ऐसी हरकत करने से बाज आए। देखिए, ये बहुत दुखद हादसा है जो पुलवामा में हुआ है और इसके अंदर सारे हादसे का जिम्मेदार पाकिस्तान है। सरकार को हर चंद कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए और सैनिकों को इस तरह मरने नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वो हमेशा ऐसी ही हरकत करता है और करता रहेगा। जब तक भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लेती है तब तक हमें इसी तरह की परेशानियों से जूझना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रीय से सबसे बड़ी चीज़ है और किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ किसी तरह का भी संबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है सर जी, मैं पुनः अपने सभी शहीद सैनिकों को नमन करता हूं और भारत सरकार का दायित्व है कि उन परिवारों की पूर्ण सहायता करें। जय हिंद, जय भारत।